ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई से हंगामा मचा हुआ है और अब ये राजनीतिक रंग भी ले रही है। आज सुबह एक बाइक सवार युवक समर जमाल अंसारी को ट्रैफिक विभाग के API काका साहब बर्गे ने लाठी मार दी। ये युवक भिवंडी का रहने वाला है जो अपने पिता जमाल अंसारी का मुंब्रा में इलाज कराने के लिए आया था, मगर लाठी लगने से समर की नाक में फ्रैक्चर हो गया और कलवा शिवाजी अस्पताल में इसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मगर अब इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी जमकर हंगामा हुआ। NCP और MIM के सभी नेता अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं। ट्रैफिक विभाग के काका साहब बर्गे पर कार्रवाई की मांग करने के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन में MIM और NCP के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। ये झड़प क्यों हुई आप खुद इस वीडियो में देखें। हां 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 हां
अरे वो तो गए ना सब बाहर निकाले, आप लोगों ने जिंदगी ये कौन है? चलो आज के बाद वे सब चुने हुए हैं मेरे से बदतमीजी की जाएगी तो उसका तरीका कोई गलत है ना? ये बात एकदम परफेक्ट है। हम नहीं सहन करेंगे, लाख लोग वोट देंगे, हम सहन नहीं करेंगे। एमएलए बेटा, एमएलए बेटा, अरे एमएलए बैठेगा ना? लोगों ने चुन के दिया 2 लाख लोगों ने, तो नहीं बैठेगा क्या? वो किसी की मदद के लिए नहीं आएगा क्या? आम पब्लिक के लिए आएगा, आएगा। चलो सभी अपने अपने फायदे के लिए अपना अपना हथकंडा अपना रहे हैं। वहीं मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दोनों पार्टियों ने कार्रवाई की मांग की। इसी बीच आमदार जितेंद्र अहवाड ने समर जमाल अंसारी का खुद कलवा शिवाजी अस्पताल जाकर उसके हालात का जायजा लिया और उसे एक बेहतर इलाज मुहैया कराने की बात कही। मगर वहीं मुंब्रा में अब ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई पर लोग सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मारपीट क्यों की जा रही है और कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है वही कार्रवाई की जाए, ना कि किसी के साथ मारपीट की जाए। वहीं इस पूरे मामले में काका साहब बर्गे पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और काका साहब बर्गे का कहना है कि उसे मारा नहीं है, बाइक रोकने के दौरान उसे लाठी लग गई है। वहीं अब ये पूरा मामला मुंब्रा पुलिस के पास है और मुंब्रा पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।